सुने और उन पर अमल करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। देर हो चुकी, मैंने वो वक्त भी जाया होने से बचा लिया। तो अब आप लोग भी जितने साथी जहां जहां खड़े हैं, जहां खड़े हैं, जिस जगह पर मौजूद है वहीं बैठ जाओ। शाबाश। और जितने लोगों के हाथों में फ्लैग है वो फ्लैग भी अब नीचे करो। जो जहां है मुझे वो आदमी कतई पसंद नहीं है जो खुद बैठने की बजाय दूसरों को बैठने की तरकीब करे। शाबाश। जिसको जहां जगह मिल जाती बैठ जाओ। शाबाश। बैठ जाओ। कोई वॉलंटियर कोई रजाकार नहीं होना चाहिए कि मैं रजाकार हूं। जो रजाकार है वो भी बैठ जाओ। जो सरकार की सिक्योरिटी है उसको तो मैं नहीं कह सकते, इसलिए वो हम सरकार के हुक्म पर बैठेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों से जो गुफ्तगू करूंगा मुख्तसर सी, उसको मुझे आप लोगों की राय लेनी है बस। अच्छा, ये जो हमारे मीडिया के लोग यहां खड़े हुए हैं मुख्तलिफ चैनल्स के होंगे, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ये बेचारे रिकॉर्डिंग का क्यों रहे। मैं तो इन लोगों को तुम्हारी तरफ से खराज तहसीन पेश करना चाह रहा हूं कि ये बेचारे आते हैं, ये हमारी मोहब्बत में आते होंगे, इनकी ड्यूटी तो रिकॉर्डिंग करना है, ये रिकॉर्डिंग करते हैं। आज इनके मालिकान बादशाह लोग हैं, बगैर पैसे के कुछ करते ही नहीं है और हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये है सूरत हाल। तो आप लोगों को खराज तहसीन शाबाश। आप लोग जो मोहब्बत करते हो, आप लोग आ जाते हो और हमें अच्छा लगता है कि आप लोग आते हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, आप तमाम लोग मेरी बातों को गौर से सुनो, संजीदगी से सुनो। मैंने कहा था जितने लोग, अच्छा जो लोग आ रहे हैं वो भी इधर उधर टहलने की वजह जल्दी से बैठ जाओ। जो लोग अंदर आते जा रहे हैं बैठते जाओ, और जो लोग जहां खड़े थे मैंने कहा था बैठ जाओ, इसलिए कि देखो टाइम बहुत गुजर चुका। आप लोगों से राय लेनी है और आप लोगों ने राय देनी है। राय देने में भी आपने कंजूसी नहीं करनी। कई अहम मामला थे जिसके ऊपर मुझे आप लोगों की राय चाहिए। मेरे ऊपर बेतहा दबाव है और आप सब जानते हैं कि जो हमारे साथ मुश्किलात हैं उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह है कि आफात और आफात के साथ ही अपनी कौम की उस शनाख्त जिसके ऊपर हम फख्र करते हैं, उस शनाख्त से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से हम पर बेतहा दबाव है। मैं तुम लोगों से उस पर भी राय लेना चाहता हूं। मैं अपने बुजुर्गों से, आप लोगों से भी राय लेना चाहता हूं। फिर मेरी कौम के लोग गुमागुमी की कैफियत में है कि जो कुछ हो रहा है वो इस कौम के मफाद में नहीं। मैं भी मानता हूं कौम के मफाद में नहीं, लेकिन हम सबको मुशावरत से ये फैसला करना है कि जो कुछ हो रहा है उसकी हकीकत क्या है। यानी जो
قوم کو تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزارا جا رہا ہے اس میں جو اس قوم کو تقسیم کرنے کے در پہ طاقتیں ہیں وہ قصوروار ہیں یا میں اور آپ یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے اس پر مجھے آپ سے رائے لینی ہے پھر ہمیں آپ سے یہ رائے لینی ہے کہ اس شہر میں جہاں لوگ دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے کہ یہ روشنیوں کا شہر ہے آج کوڑوں کا کوڑے کا انبار بنا ہوا ہے آج یہاں نہ پانی ہے نہ یہاں بجلی ہے نہ یہاں اسکولوں کی کوئی نئی بلڈنگ تعمیر ہوئی ہے یا نہ ٹیچروں کا کوئی بندوبست ہے لوگ جن کے پاس اچھا کھانے کو نہیں ہے لیکن وہ باہر سے مجبوری اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پرائیویٹ اسکولوں میں داخل کرانے پر مجبور ہے یہ سارے حالات ہیں جس پر مجھے آپ سے رائے لینی ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پنجابی کو آپ تسلیم کرتے ہیں یہ قوم ہے پختون کو میرا خیال ہے کہ یہ قوم ہے میں تسلیم کرتا ہوں پختون ایک قوم ہے میں تسلیم کرتا ہوں بلوچی ایک قوم ہے میں اسے تسلیم کرتا ہوں سندھی میرے بھائی ہیں ہم دو قومیتیں ایک صوبے میں رہتی ہیں میں اسے سندھی کو ایک قوم تصور کرتا ہوں تسلیم کرتا ہوں ان کا اپنا کلچر ہے ان کی اپنی زبان ہے ان کا اپنا رسم الخط ہے ان کی زمین ہے میں ایک قوم تسلیم کرتا ہوں میں کسی کی تصدیق نہیں کر رہا لیکن میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں